नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए चावल बनाने की विधि बता रहे हैं जो डायबिटीज में खाया जाता है, जिसका माड़ हम निकाल देते हैं। स्टार्च जो होता है वो पहले बनता था, पहले के जमाने में वो, अब हम कैसे बनाएं इसका, इसकी विधि आपको हम बता रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी लेंगे और भगोना, भगोना थोड़ा बड़ा हो और उसमें पानी ही लेंगे। और ये देखिए पानी हम, ये देखिए ये जो कटोरी है इससे मैंने इसमें 6 कटोरी पानी डाला है और इसी से मैं 1.5 कटोरी चावल लूंगी, यानी आधे से बहुत ज्यादा पानी रहेगा। जितना चावल रहेगा उससे ट्रिपल पानी रहेगा इसमें, तभी हमारा माड़ा अच्छे से निकल सकता है। तो हम पानी को मैंने आंच पे रख दिया है, फुल आंच पे, और उसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे, तब इसमें चावलों को मिलाएंगे। तब तक मैं, ये इसमें उबाल आ रहा है तब तक मैं चावल को धुलकर रेडी कर ले रही हूँ। तो हम ढक देते हैं, थोड़े देर हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा पानी। देखिए पानी खोल गया पूरी तरह से, इसमें अपने धुले हुए चावलों को मिला लेंगे और उसमें उबाल आने देंगे। ये चावलों को हम इसमें मिला लेंगे और ये इसको फुल फ्लेम पे ही पकने देंगे। एक उबाल आएगा इसमें चावलों को मिलाने के बाद, तब हम आंच को धीरे करेंगे। ये जो चावल है ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत से लोग इसको बनाना नहीं जानते हैं, कैसे पसाया जाता है, कैसे माड़ निकाला जाता है इसका, तो इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ। ये चावल भगोने में ही बनेगा, इसको हम कुकर में नहीं बना सकते। तो इसको हम उबलने देते हैं चावलों को पहले ढक के, फिर देखते रहेंगे जब किनारों पर उबाल आ जाएगा, गिरने मतलब लगेगा, तो तुरंत ढक्कन हटा देंगे और आंच को कम कर देंगे। तो हम इसको उबलने दें पहले। चावल मिलाकर हम इसको पहले चला लेंगे, वरना चावल हमारे पकड़ने लगेंगे। तो हमने एक बार चला लिया है, अब इसको ढक के उबलने देंगे। ये देखिए चावल हमारे, हमारे कम करने चावल उबाला गया है, उसके बाद हम हल्का सा ढक के किनारे से इसको पकाएंगे। एक बार हम चला भी देते हैं इसको, अभी चावल बिल्कुल कच्चे हैं तो धीमी आंच पे पकेगा। पानी जितना ही ज्यादा है वो उतना ही माड़ निकलने में आसानी रहेगी, पानी अगर कम हुआ आपका तो उसी में सोख लेगा चावल, माड़ निकलेगा ही नहीं। इसलिए हम इसको अब धीमी आंच पे पूरे तरह नहीं ढकेंगे, तो चावल गिरने लगेगा, पानी गिरने लगेगा, इसलिए थोड़ा हम ढक के इसको कर रहे हैं। आंच हमने स्लो कर दिया है, बीच बीच में हम चावलों को चलाते भी रहेंगे कभी कभी, और चेक भी कर लेंगे। पका तो नहीं है लेकिन अभी देखिए अभी कचौड़ी चावल हुए हैं, फिर इसको हम ढक देना थोड़ा खुला छोड़कर। हम चावलों को बार बार चलाकर चेक कर रहे हैं, देखिए चावल लगभग पक रहे हैं, पक ही चुके हैं। इसको हम हाथ से चेक कर लेंगे, ये अभी हमको जब माड़ निकालना है तो उस समय हम चावलों को पूरी तरह नहीं गलाएंगे। अभी चावल गल चुके हैं, थोड़े देर और हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा चावल लगभग हो गया है, ये माड़ जो है ऊपर आ गया है। जब हमको पकाना है उसके कुछ देर पहले, तब हम चलाना बंद कर देंगे। देख लीजिए चावल जो है, चावल गल गए हैं, बिल्कुल ज्यादा नहीं गले हैं, अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, तभी हमको इसको पसाना है। देखिए सारा माड़ ऊपर आया हुआ है, हम एक कपड़े की सहायता से इसे पकड़ेंगे, ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन बंद ही है। थोड़ी देर तक बहुत ही सावधानी से इसको हमको करना है,
अगर जो हिला तो गिरने का डर रहता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये हम कर सकते हैं। पहले महिलाएं ऐसे ही बनाती थी चावलों को, जिससे कोई बीमारी कुछ भी नहीं होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मुझे भी ये बनाना पड़ा, सीखना पड़ा। सास ससुर को जब देना था तो मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने सीखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं बताती हूँ। तो थोड़े देर हम इसको ऐसे ही रखेंगे, मोटे कपड़े से पकड़ेंगे ताकि हाथ न जले, और इसको ऐसे ही टेढ़ा करके रखना है। सारा पानी इसमें से निचुड़ जाएगा। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। चावल हमारे तैयार हो गए हैं। थोड़े दिन हम इसको इसी तरह से आंच पे ही रखेंगे। चावल गल गए हैं तो थोड़ा ढक के रखेंगे। अभी आंच हमने जलता हुआ ही छोड़ दिया है, एक मिनट इसको रखेंगे आंच पे ऐसे। उसके बाद हम आंच बंद करेंगे। ये देखिए हमारा जो ये जो सारा स्टार्च निकला हुआ मार निकल गया है। अब ये देखिए हमारे चावल भी अच्छे से अब पक गए हैं। अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए और माड़ भी निकल आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।